बेइज्जती मत कर मेरी भाई, ऐसी होती क्या भाई? तो ऐसी होती है एकदम झक्कास। हाय, मैं हूँ दीपाली बोरकर और आप मुझे देख रहे हो मुंबई लाइव पे। सबसे पहले तो मैंने फिनाले में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जब मैं स्टूडियो राउंड पे आई थी तो फिर मुझे कीड़ा मिल गया था, तभी से मैंने मन में सोचा था कि अभी मुझे गोल्डन ट्रॉफी भी चाहिए कीड़े की। और मैंने पूरे सीजन में जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं फाइनली जीत गई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। टॉप थ्री मतलब एक तो सारे टफ थे, मैंने कॉमेडी एक्ट्स किए, इमोशनल किए, माइथो किए, सारे मतलब सारे टाइप्स के मैंने एक्ट किए। और मतलब हम टॉप थ्री में थे, मैं थी, फिर अनीश भैया था और हर्षराज लकी थे। तो हम तीनों जब ही मतलब तीनों ही रह गए थे, बचे थे लास्ट में, तो मतलब हम तीनों भी ऐसे हो गए थे कि पता नहीं अब किसको होगा। फिर मेरे और अनीश भैया के बीच में था एक, तो मतलब वो भी मेरा कॉम्पिटिटर है और उसको भी लगता है कि मैं उसकी कॉम्पिटिटर हूँ। तो फिर मतलब हमने बोला था चलो मेहनत की है अब सब भगवान के ऊपर, और उससे मैं जीती हूँ। तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। हाँ मतलब थर्ड सेकेंड रनर अप हो गया था, मैं और अनीश भैया बच गए थे। तो फिर जजेस खुद उठ के आए और बोले कि अब हम देंगे ट्रॉफी जो विनर होगा। तो फिर मतलब धक 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 हो रहा था, मैंने मतलब समझ नहीं आ रहा था अभी क्या होएगा, मैं जीतूंगी या ना जीतूंगी, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत लगाई थी, इतना एफर्ट किया था मैंने। फिर उन्होंने बोला कि इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज है, एकदम से रुके और एकदम से बोला दीपाली, तो मतलब मुझे रोना ही आ गया था और मैं बहुत खुश हुई। सबसे पहले तो मैंने एक माइथो एक्ट किया, वैष्णो देवी, वो मेरा फेवरेट एक्ट था। और कैंसर एक्ट किया मैंने, इमोशनल आनंदी बाई किया, फिर ऑनेस्ट बाई किया। और फिनाले में मैंने जो दो एक्ट्स किए वो भी मेरे बहुत फेवरेट है। और मैं मेंटर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आज मेरे साथ ये ट्रॉफी है। सबसे पहले तो मैं अपने मेंटर्स को बहुत मिस करूँगी, क्योंकि मतलब मैं रात को उनके पास जाती थी कि मुझे ये नहीं आ रहा, तो वो मुझे बोलते थे ना कि चलो सुबह जाते हैं, इतना कुछ नहीं, तो वो मुझे मतलब हेल्प करते थे कि यस तुझे जीतना है, हम लोग तुझे हेल्प करेंगे। इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी और मेरे फ्रेंड्स को तो मिस करूँगी और जजेस को भी। मतलब मैं दोनों करना चाहती हूँ, दोनों इक्वल रखना चाहती हूँ, एक्टिंग और डांसिंग भी। और मैं मतलब बड़ी होकर एकदम अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ।